हम सभी जानते हैं कि नारियल पानी पीना हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, पर क्या इसे किडनी की बीमारी के दौरान पीना सही होगा या नहीं, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने कई लोगों को सुबह सुबह नारियल पानी पीते जरूर देखा होगा और गर्मियों के सीजन में तो इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल नारियल पानी एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में और कई सारी बीमारियों से बचा रखने में भी मदद करता है। आपको बता दें कि जो लोग नारियल पानी का सेवन करते हैं उन्हें पाचन से जुड़ी समस्या कम होती है, साथ ही उनकी डायबिटीज लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा नारियल पानी किडनी को भी डिटॉक्स करता है, साथ ही त्वचा से जुड़ी समस्या, यूटीआई की प्रॉब्लम और कैंसर जैसे रोग से भी बचाव करता है। जो लोग अपने बढ़ते वजन की समस्या को लेकर परेशान है उनके लिए भी नारियल पानी पीना फायदेमंद होता है। दरअसल नारियल पानी में कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है और इसे पीने से भूख पर भी कंट्रोल रहता है, जिसके चलते लोग बेवजह खाना कम खाते हैं और उनका वजन कंट्रोल में रहता है। मगर जो लोग किडनी से जुड़ी समस्या से परेशान होते हैं उनके लिए नारियल का पानी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि नारियल पानी में पोटेशियम काफी अधिक मात्रा में होता है, जो किडनी मरीजों में ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए अगर आपको किडनी से जुड़ी समस्या है तो आप नारियल पानी का सेवन ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।